पश्चिमबंगे बड़ धरणर ट्रेन दुर्घटना न्यू जलपाईगुड़ी रंगपाणी स्टेशन निकटे कांचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी मध्य धक्का होई एवं ट्रेन दुर्घटन आठ जन मृत्यु होता विभाग लोक संपर्क अधिकारी सूचना देउछन्ती एवं न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन दुर्घटना प्रसंगे जिते खबर आसू मानवीय त्रुटि ट्रेन दुर्घटना होता सूचना मिलू बड़ खबर कि कहीं बड़ दुर्घटना घटला जो सिग्नाल मिल न दुर्घटना घटी कहुच्छे त्रुटि मानवीय त्रुटि नहीं सूचना आसुच्छी सूचना देखते रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कि मानविक त्रुटि रही मानवीय त्रुटि रही ह्यूमन एरर रही जो एत बड़ दुर्घटना घटला नहीं रेल विभाग सूचना देखिए सिग्नाल मानि ना जो सिग्नाल न मानवरु त्रुटि ये बड़ त्रुटि एत बड़ दुर्घटना घटी सूचना मिलूँ इन्हें रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सूचना देखते कि ये ह्यूमन एरर कौन सी प्रकार टेक्निकल एरर नुहे जितेबाला बाहनगा ट्रेन दुर्घटना कथ आसा से समय टेक्निकल एरर को गुरुत्व दि जाइए कि टेक्निकल एरर थी सिग्नाल ठीक भाव मिल ना जो ये दुर्घटना होता कथ रिपोर्ट दर्शा जाता कि वर्तमान ह्यूमन एरर व मानवीय त्रुटि एत बड़ दुर्घटना जलपाईगुड़ी घटी नहीं कहुच्छ जो आठ जन मृत्यु होती कोड़ी अधिक आहत होती ये पुणी एक बड़ दुर्घटना सामना को आसी जो बड़ बड़ दुर्घटना घटू रेल विभाग या कोमी गुरुत्वर सहित नेब एवं जो त्रुटि सामना को आसू से त्रुटि को कमी बारंबार सुधरा जापरू नहीं ठोस पदक्षेप निया नजर आसुनी किंतु यू भितर जो मानस मंथन चर्चा आलोचना रिपोर्ट पर रिपोर्ट आसू से आउ एक बड़ रेल दुर्घटना जो सिग्नाल न मिलबारू बा सिग्नाल न मानिबारु ए दुर्घटना घटी कहुच्छी उद्धार कार्य एवं जारी रही न्यू जलपाईगुड़ी में ए बड़ दुर्घटना मृत्यु संख्या आठ रु आहुरी अधिक मानी आशंका करा एबे भी अनेक मृतदेह बगी तले चापी होता नहीं अनुमान एनडीआरएफ टीम उद्धार कार्य को जोरदार कर गैस कटर बगीगुड़ी कटा जा भावंतु जो गुड्स ट्रेन एवं पैसेंजर ट्रेन भितर दुर्घटना एवं जदि दुर्घटना दुईट पैसेंजर ट्रेन भितर होता स्थिति कौन होता आहुरी संगीन होता जहाँ बाहनगर में देख लु शह शह संख्यार मृतदेह सामना पड़ता किंतु जेहेतु गोटे गुड्स ट्रेन थी आ गोटे पैसेंजर ट्रेन थी से मृताहत संख्या एत अधिक नहीं अनुमान करा भितर मृत्यु संख्या आठ एवं आहुरी अधिक मृत्यु संख्या बढ़ आशंका भी करेतु बगी तले अनेक गुड़े मृतदेह चापी हो रही थे अनुमान एवं तो उद्धार कार्य जारी रही उद्धार कार्य शेष होलापर जना पड़ कि मृत्यु संख्या केते रोचे कोड़ी अधिक आहत होती जो मैंने हस्पिटाल भर्ती होती तो से भितर जो मैंने अधिक गुरुतर रही स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर रही प्रार्थना करुद्धकालन भित्ति एवं उद्धार कार्य जारी रही रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल को जा कांचनजंगा एक्सप्रेस कोलकाता जीवा समय रे ए बड़ दुर्घटना घटी कांचनजंगा एक्सप्रेस को पछरु धक्का देथिला मालगाड़ी एवं दुर्घटना परे एक्सप्रेस रो तीनटी बगी लाइनच्युत होइथिला दुर्घटना परे रेल विभाग पक्षरु हेल्पलाइन नंबर भी जारी होईछि अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है सारी मेडिकल एड दी जा रही है हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए रेलवे के डॉक्टर्स भी वहाँ पर पहुँच गए हैं उनकी सेवा में हैं हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन होती है वो भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी एक घंटे के अंदर उसके साथ ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स दो जो हैं वो भी चल पड़ी हैं एक पहुंच गई है दूसरी पहुंचने वाली है
जो फ्रंट पोर्शन है ट्रेन का जो कि अनअफेक्टेड है उसको ठीक करके और डीजल लगा के उसको आगे ले जा रहे हैं, जिससे कि लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। पैसेंजर्स जो हैं वो अपने जो फंसे हुए हैं वहाँ पर इस घटना की वजह से वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। उनके जितने भी नेक्स्ट ऑफ किन एंड उनकी जो वेलविशर्स हैं उनकी सुविधा के लिए हमने हर जगह हेल्प डेस्क खोल दिए। इस ट्रेन के पूरे रूट पे जितने भी मेजर स्टेशन हैं वहाँ पर तो फिज़िकल हेल्प डेस्क खुल गई है। हेल्पलाइन नंबर्स हर जगह के शेयर कर लिए गए हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी शेयर कर लें। सारी हेल्पलाइन जो हैं वो अवेलेबल हैं राउंड द क्लॉक। उसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो वो उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर अब चूँकि रेस्क्यू कम्प्लीट हो गया है, अब रेस्टोरेशन का काम शुरू हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो रास्ता बाधित है, जो रूट ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके और उसको शुरू कर दिया जाए। जहाँ तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट आफ्टर द इंक्वायरी एंड वी हैव टू कंट्रोल ह्यूमन एरर ऑल्सो, जिसके लिए कि कवच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि प्रोलिफरेट करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है, पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। मैम कवच क्या पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी नहीं है? प्लान्ड है ना, प्लान्ड है, क्योंकि ये अभी जो 3,000 किलोमीटर जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा उसमें बंगाल भी है, दिल्ली हावड़ा रूट है। मैम एक गलती क्या है कि मैं समझाते हैं सिंपल टर्म्स में, गलती हुई क्या है? सिग्नल डिसरिगार्ड किया, ये क्या होगा? मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली।